जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका t9schools.com में। दोस्तों एक बार फिर से चाइना की तरफ से एक खबर आई और दोस्तों इस खबर के बाद बिटकॉइन जो मार्केट है, क्रिप्टो का जो मार्केट है, वो थोड़ा सा डाउन यहाँ पर चला गया है। दूसरे अल्टकॉइंस भी डाउन हो गए हैं, बिटकॉइन का प्राइस भी डाउन हो गया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि चाइना बार बार क्रिप्टो को लेकर बैन की खबरें क्यों फैला रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, चाइना आखिर क्या करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों अगर चाइना को क्रिप्टो बैन ही करनी है तो बार बार फेक न्यूज़ फैलाने की क्या ज़रूरत है। अपने कंट्री में एक बार घोषित कर दे कि मैंने चाइना में बिटकॉइन को या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया है तो दोस्तों वहां पर बैन हो जाए और वहां के लोग भी इसका यूज ना कर पाए। लेकिन दोस्तों ये क्या चक्कर है कि चाइना बार बार साल में दो बार ये तो खबर फैला देता है कि चाइना ने बिटकॉइन को बैन कर दिया या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया, लेकिन एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन चाइना में लगातार क्रिप्टो करेंसीज का यूज कर रही है। तो चलिए इसके बारे में असलियत में आपको बता देता हूं कि ऐसा चाइना की क्या मजबूरी है, ऐसा चाइना क्या करना चाहता है कि वो टाइम टू टाइम ये खबरें फैला रहता है कि चाइना में क्रिप्टोकरेंसीज को बैन किया जा रहा है और वहां पे क्रिप्टोकरेंसीज का यूटिलाइज होना लीगल नहीं है। लेकिन दोस्तों वहां पर बैन भी नहीं हो रही है। तो चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही उसके पास वाला बेल बटन भी प्रेस कर लें। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाइना का यह पहली बार नहीं है जब उसने क्रिप्टोकरेंसीज को बैन करने की कोशिश की है। सबसे पहले चाइना की तरफ से खबर आई थी 5 दिसंबर 2013 को, जब उसने बोला था कि क्रिप्टोकरेंसीज को वहां पर बैन कर दिया गया है। तब से अब तक 3623% क्रिप्टोकरेंसी यानी बिटकॉइन का प्राइस बढ़ चुका है और एनुअलाइज ग्रोथ की बात करें तो 58.9% है। तब के कंपैरिजन में उसके बाद 11 सितंबर 2017 को उसने एक खबर सुनाई थी $4,122 जब बिटकॉइन का प्राइस था, वहां से 941.1% अभी तक बिटकॉइन का प्राइस बढ़ चुका है और 78.6% एनुअलाइज वहां से बढ़ चुका है 18 मई 2000। इसके बाद दोस्तों 5 फरवरी 2018 को चाइना ने ये बोला था $8,271, उस समय पर इसका प्राइस था 419%, तब से बढ़ चुका है। 3 सितंबर 2018 को बोला था, उसके बाद 22 नवंबर 2019 को बोला था, उसके बाद दोस्तों 21 मई 2021 को और अब 24 सितंबर 2021 को एक बार फिर से चाइना ने ये बोला है। जब से लगातार बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है और इसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आपको सुना दूं, चाइनीज गवर्नमेंट के पास बीटीसी की जो होल्डिंग है वो 1,94,775 बीटीसी के आसपास है, जिसकी करंट वैल्यू यहां पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। इसी के साथ साथ चाइना में जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उनके पास 1,64,000 के आसपास बीटीसी हैं जिनका प्राइस इस समय पर इतना है। यानी दोस्तों साफ सा मतलब है कि हर डिप पर चाइना बहुत बड़ी मात्रा में बिटकॉइन को खरीद रहा है। यानी एक तरफ फेक न्यूज फैलाता है कि यह मैं उसने वहां पर चाइना को क्रिप्टोकरेंसीज को बैन कर दिया और दूसरी तरफ उसका सेंट्रल बैंक और चाइनीज गवर्नमेंट बिटकॉइन को खरीद लेते हैं, जिससे इस फ्यूचर करेंसीज में चाइना का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों चाइना दुनिया में सबसे तेज कंट्री है, इससे तेज बुद्धि किसी दूसरे कंट्री की नहीं चलती है। उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एक ऐसे कंट्री ने कर लिया था जिसकी औकात कल के दिन, कल कुछ भी नहीं थी, आज उसकी औकात काफ़ी बड़ी है। यूएसए की इकोनॉमी को पीछे छोड़ने की बात कर रहा है, ऐसे ही नहीं छोड़ रहा है पीछे, इसने दुनिया में जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं उन्हें कब्जाने की कोशिश की है और आज की डेट में दुनिया का कोई भी कंट्री ऐसे नहीं है जिसकी गवर्नमेंट ने 1,94,775 बीटीसी के आसपास होल्ड किया हो। अकेले चाइना की गवर्नमेंट है, अकेले चाइना की सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो बीटीसी को होल्ड करी हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा 70 से 80% बिटकॉइन की माइनिंग अकेले चाइना में होती है आज की डेट में भी, लेकिन वही चाइना बार बार फेक न्यूज़ फैलाता है कि चाइना में क्रिप्टो करेंसीज को बैन कराया जा रहा है। सारी की सारी सरकारें, सारे के सारे लोग डर जाते हैं, उस डिप का फायदा उठाता है और चाइना बिटकॉइन को खरीद लेता है। एक समय ऐसा आएगा जब और भी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो यहां पर चाइना का हो जाएगा, क्योंकि चालबाज चाइना इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा गहरे तरीके से काम करता है, जिसे पूरी दुनिया बहुत ही मुश्किल से समझती है। आप एग्जांपल ले लीजिएगा, कोरोना वायरस जब चाइना में था तो पूरी दुनिया वहां पर मुश्किल से 5-7 केस थे और पूरी दुनिया में न्यूज चैनल पर यही खबरें थी कि चाइना में एक बड़ा वायरस आ गया, लेकिन उसके 6 महीने बाद पता चला कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया और चाइना से वो गायब हो गया। वही बिटकॉइन का है, जब पूरी दुनिया में डिप आता है, पूरी दुनिया में लोग सेल कर रहे होते हैं बीटीसी, उस समय पर चाइना बीटीसी खरीद रहा होता है। उसके बाद जब प्राइस बढ़ता है तो पूरी दुनिया में लोग खरीद रहे होते हैं और चाइना वहां पर ट्रेडिंग कर रहा होता है। दोस्तों
सब का फायदा चाइना उठाता है और इस तरह से चाइना ने बहुत ही बड़ी मात्रा में बिटकॉइन को होल्ड कर रखा है। तो दोस्तों यहां पर आप ऐसी कोशिश ना करें कि यहां पर आपको बैन बेचना चाहिए। कोई भी देश की सरकारें, यहां तक कि यूएसए भी, जहां पर चलिए यूएसए का अपडेट आपको दिखा देता हूं। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोमी पॉवेल हैज शेयर द प्रोग्रेस ऑफ द फेड वर्क ऑन अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी द डिजिटल डॉलर वी आर वर्किंग प्रोएक्टिवली टू इवेल्युएट वेदर टू इशू अ सीबीडीसी एंड इज नो व्हाट फॉर्म ही सेड एडिंग दैट ही डज नॉट बिलीव द यूएस हैज फॉलन बिहाइंड अदर कंट्रीज इन दिस एरिया। यानी बिटकॉइन जो आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है, साफ साफ उन्होंने ये बोला है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि इस एरिया में यूएसए कल के दिन को पीछे रह जाए। उधर इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ऑलरेडी ये बात बोल दी है कि एक फ्यूचरिस्टिक थिंग्स को कभी भी बैन नहीं किया जा सकता, शटडाउन नहीं किया जा सकता, इसलिए इंडिया में भी बिटकॉइन को अब कभी भी बैन नहीं किया जा सकता। सरकारें इस बात को समझ रही हैं, जो समझ रही हैं वो आगे निकलेंगी। बिटकॉइन को पैनिक सेल बिल्कुल भी मत करिए, सोच समझकर जितना आपको होल्ड करके रखना है उतना होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म में आपको जरूर प्रॉफिट देगा, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। दुबई जैसे डेवलप कंट्रीज भी बिटकॉइन ट्रेडिंग को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जैसे एएमसी, इसके अलावा माइक्रो स्ट्रेटेजी जिसके सीईओ है माइकल साइलर, इसके अलावा दोस्तों डच जैसे फुटबॉल जायंट पीएसवी, इसके अलावा दोस्तों यहां पर इन्वेस्टर्स जो कि सीआईओ है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे दूसरे लोग लगातार बिटकॉइन के बारे में खरीदने की बात कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों जब चाइना इस तरह की बातें करता है तो वो पेट में बिल्कुल भी पचती नहीं है। असलियत आपको इसका पता चल गया होगा, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज लगातार बिटकॉइन को अपना रहे हैं। आने वाले समय में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन, यूएसए, इन जैसे कंट्रीज में भी बिटकॉइन को लीगलाइज जल्दी घोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों बिटकॉइन इस समय पर अगर आपको तेजी के साथ पैसा कमाना है, जिस समय पर पूरी दुनिया अप एंड डाउन के चक्कर में लगी हुई है, तो मैं आपको बता दूं बाइनेंस जो कि दुनिया की नंबर वन और सबसे बेहतरीन एक्सचेंज है, इसने हाल फिलहाल में एक बड़ी रोबोटिक्स कंपनी के साथ मिलकर बाइनेंस ऑटो ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रदान की है, जिसमें आप मात्र $100 या $150 से शुरू करके बहुत ही ज्यादा बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। कितनी बड़ी अर्निंग, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। $1,106 एक दिन की अर्निंग, $3,813 एक दिन की अर्निंग, एक दिन की अर्निंग $4,224, इसके अलावा और दिखा देता हूं यहां पर, एक दिन की अर्निंग $8,188, एक दिन की अर्निंग दोस्तों $14,000, इवन एक दिन की अर्निंग $20,000, यानी 15 से 16 लाख रुपए के आसपास एक दिन की अर्निंग। इस तरह की अर्निंग पॉसिबल है बाइनेंस ऑटो ट्रेडिंग का सहारा लेकर, मात्र $150 या $200 के इन्वेस्टमेंट से शुरू करके बहुत सारे लोगों ने बहुत ही कम समय में यहां पर एक बड़ा पैसा कमाया है, क्योंकि ये एक जबरदस्त नई टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। और इस समय पर आपको कुछ वीक्स के अंदर या कुछ महीने के अंदर अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है बाइनेंस ऑटो ट्रेडिंग, उसके लिए आपके पास बेहतरीन तरीका हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहां पर मैंने एक लिंक दिया है साइन अप विद बाइनेंस ऑटो ट्रेडिंग, उस पर क्लिक करके साइन अप करें बाइनेंस ऑटो ट्रेडिंग के साथ। और वहां पर ऊपर की तरफ एक वीडियो है जिसमें पूरी डिटेल्स दी गई है कि इसे एक्टिवेट कैसे करना है और ये काम कैसे करेगा। उस वीडियो को देखने के बाद वहां पर इसे एक्टिवेट कर लें। और दोस्तों बाइनेंस ऑटो ट्रेडिंग का सहारा लेकर, जो कि क्रिप्टोकरेंसीज के सेक्टर में इस समय पर बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और कंपटीशन इस समय पर बिल्कुल भी नहीं है, आने वाले 6 से 7 महीने में जबरदस्त कंपटीशन वहां पर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही तेजी के साथ पैसा देने वाली ये इंडस्ट्री है। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करें। वहां पर जो लेटेस्ट मैसेज है साइन अप विद बाइनेंस ऑटो ट्रेडिंग, उस पर क्लिक करके साइन अप करें। वहां पर ऊपर की तरफ जो वीडियो है उसे देखने के बाद एक्टिवेट कर लें और इसके बाद बाइनेंस ऑटो ट्रेडिंग आपकी शुरू हो जाएगी, जिससे आप भी डेली बेसिस पर एक बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। $20,000, $10,000, $15,000 या $1,000 डेली बेसिस पर अर्न करना यहां पर बिल्कुल आसान है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स बाइनेंस पर बैठे हुए हैं जो आपको आपके बिहाव पर ट्रेडिंग करके देते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना